हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की सुबह हुई है, आंटी आई हैं तो तब उस टाइम पे, और अब आंटी बाहर सफाई कर रही है, मैं आंटी के साथ हूँ और हिरार अंदर बाबा के साथ है और ये प्लेइंग कर रही है। क्यों आप लड़ाई कर रहे हो बाबा के साथ? तो कल पूरा दिन बारिश का मौसम था और बारिश हुई भी है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। तो आज उसके बाद जो धूप निकली, ऐसी खिली हुई धूप थी, थोड़ी गर्मी भी हो गई है लेकिन धूप बहुत प्यारी लग रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने हिलाल को जल्दी से नहा के जो है इसको डन किया, क्योंकि इसके बाद मैंने भी नहाना था। और नहाने के बाद फिर मैंने नमाज और सूरत काफ और काफ़ी कुछ सबक वगैरह मैंने पढ़ने होते हैं तो वो पढ़ने हैं, और ये तब तक इसको मैं सुला देती हूँ क्योंकि ये सोएगी तभी मेरा कोई काम हो सकता है। ये हिराल को मैंने सुला दिया है और इसको सुलाने के बाद ना मैं इसके ऊपर ये तकिया रख देती हूँ ताकि ये सोई रहे। इसको शायद ऐसा फील होता है ये गोद में, क्योंकि पहले पहले ऐसा होता था कि जब ये सोती थी ना तो मैं ऊपर से हटा देती थी ना, मतलब इसके ऊपर कोई चीज़ रखती ही नहीं थी तो ये फ़ौरन उठ जाती थी जैसे ही मैं इसको लिटाती थी। तो अब इसको लगता है शायद ये गोद में तो ये उठती नहीं, काफ़ी देर तक सोई रहती है। तो अब ये सोई है तो मैं अपने काम कर लेती हूँ। बाकी नमाज में पढ़ चुकी हूँ और अभी तक हिराल जो है वो शुक्र है सो रही है। और फिर मैंने सोचा कि इसके सोते सोते ही मैं जल्दी से मंजिल भी पढ़ लूँ। मंजिल में हमेशा इसके कॉट में रखती होती हूँ पीछे करके, और अभी ये मैं पढ़ती हूँ। तो ये पढ़ के फिर मैं सूरत पढ़ूँगी और फिर मैं उसके बाद देखती हूँ और क्या करना है। तो नमाज भी मेरी डन हो चुकी है और सबक भी डन हो चुका है जो मैंने पढ़ना था। तो अब मैंने सोचा जो कल मेरा पार्सल आया था मैं आपको यही दिखा देती हूँ। तो इसको मैंने वैसे तो ओपन कर लिया था लेकिन इसको मैंने बाकी खोला नहीं है, तो ये मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। तो पहली चीज़ जो मैंने ऑर्डर की थी वो है ये रेजिस्टेंस मास्क है कैरेस्टिस का, और इसके बारे में मैंने इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सुना है इसके। तो ये बेसिकली होता है इसलिए कि आपके बाल अगर ज़्यादा ड्राई हैं, डैमेज हो रहे हैं, और जिस तरह मेरे बाल हैं कि वो रूट से नहीं निकल रहे, वो टूट रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये मैंने मंगवाया है। इसको मैं ट्राई करूँगी और फिर बताऊँगी। और इसके अलावा ये मैंने ये इसके साथ कैरेस्टिस का इन्होंने सैम्पल दिया है नाइट सिरम का, तो ये इसके साथ इन्होंने सैम्पल दिया है। और ये एक मैंने मंगवाया है हिराल के लिए बॉडी वॉश है अमीनो का, ये मैंने इसके लिए पहले भी यूज़ किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा तो फिर मैंने एक और मंगवा लिया। और वैसे मैं उसके लिए अभी यूज़ कर रही हूँ चिको का, लेकिन वो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा तो अब मैंने फिर उसके लिए ये मंगवाया है। मैंने दो दफ़ा चिको यूज़ किया और अभी नेक्स्ट टाइम मैं ये दोबारा से अवीनो मंगवाया क्योंकि ये मुझे ज़्यादा पसंद आया। तो ये था उस पार्सल के अंदर, और वो मेरा बेटा अंदर उठा हुआ है और अब ये सो के उठी हुई है, और अगर मैं थोड़ी देर और रूम में ना आती तो इसने तबाही मचा देनी थी। क्या हो गया अभी कि मुझे देख के इसका मूड अच्छा हो गया? अगर ये अकेली होती तो इस टाइम पे ये रो रही होती। क्या हो गया मेरे बेटे को? काफी सारा सो लिया इसने और अब तो इसका कोई मूड नहीं है लेटने का भी, और मुझे लग रही है भूख। तो फिर मैं जाती हूँ किचन में और बनाती हूँ अपने लिए छुट्टे समोसे। तो ये मैंने डाल दिए कढ़ाई में बनने के लिए। इतने ज़्यादा बस यही खाऊंगी क्योंकि आजकल मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ अपना वेट लूज़ करने की और ज़्यादा कुछ नहीं खाती मैं। तो ये हो गए हैं समोसे मेरे फ्राई, और साथ में हिराल बैठी हुई है जिसकी नज़र तो इन्हीं पे है लेकिन वो उसके हाथ में मैंने लिप बाम पकड़ा दी और उसके साथ खेल रही है और मैं खाती हूँ समोसे। तो काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे हैं कि हिराल का बे फॉर्म बनवा लें क्योंकि अक्सर चाहिए होता है,
और बना हुआ होना चाहिए सबके पास, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनवाना चाहिए। तो अब तो काफ़ी लेट हो गया, तो वो बनवाने हमने जाना था नादरा के ऑफिस, तो अभी हम लोग वो जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा रश था वहाँ पे, तो काफ़ी टाइम भी लग गया उधर। और इसके बाद केक लेना था, उसके लिए हम लोग यम्स रुके। केक के इतने ऑप्शंस होते हैं, समझ ही नहीं आती कि कौन सा केक लें। और उसके बाद हिराल को सुला रहा था अभी, और इसको सुलाते सुलाते खुद ही सो गया, और लेकिन हिराल नहीं सोई। तो खेलते खेलते हिराल सो गई थी, और तो फिर हम इसको ऐसे ही उठा के लिए। और अच्छा होता है जब ये सो जाती है ना, तो गाड़ी में सोई रहती है थोड़ी देर तक। अब ये मेरी आवाज़ से उठी, लेकिन है नहीं। जब ये सोई होती है तो इसको जब गाड़ी में लेके आती हूँ, उसके दो फायदे होते हैं। एक इसको कि इसकी नींद पूरी हो जाती है, और हमारा रास्ता भी आसानी से ख़त्म हो जाता है। तो ये मैं जा रही थी अपनी बहनों के पास, क्योंकि आज मुकद्दस भी आई थी, और उसकी वो हमेशा कहती है कि जब भी मैं हूँ तो हिराल होनी चाहिए। और ये फिर हिराल उनके साथ खेल रही है, और उन्होंने ये उसको, उसने शायद कल का ब्लॉग देखा है, उसमें हिराल बिस्किट खा रही थी, तो ये उसको बिस्किट दे रही है और खुश हो रही है देख के, क्योंकि कल वो थी नहीं। तो आज फिर वो ये जितना भी सीन है उसने मिस कर दिया था, तो आज वो दोबारा से करना चाहती थी इसके साथ। और इसका आज भी वही सीन था, इसने उसी तरह बिस्किट खाया जिस तरह इसने कल खाया था। सो फ्रेंड्स, वी आर बैक होम, और अब हम इसके करेंगे ड्रेस चेंज, और उसके बाद इसका डायपर चेंज, फिर इसने इसको थोड़ा सा पोरिज खिलाना है मैंने, और उसके बाद फिर हिराल सो जाएगी। किसकी साथ बात कर रहे हो आप? बाबा के साथ? बाबा तो नहीं सुन रहे। नींद भी आ रही है और इसने वीडियोस भी देखनी है। एयरक्राफ्ट का मुझे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा शौक है, तो मुझे जब भी टाइम मिले या मौका मिले तो मैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा बनाती रहती हूँ, और ये मेरे साथ बैठी हुई मुझे कंपनी दे रही है। तो इसके बाद हमने कहवा बनाया और वो पिया। बस फिर मैंने अब हिराल को चेंज करवा लिया, और चेंज करवा के अपने इसको सुला दूंगी अगर ये सोई तो। और बस यही था आज का ब्लॉग, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।